हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के नाइन ब्लॉग्स। आज हम आर के डी ऑर्चर्ड में खड़े हैं। मैं आपको इस बार कितनी अच्छी फ्लावरिंग है वो दिखा रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है इस बार। जैसा कि आप देख सकते हो, 7200 फीट एलिवेशन में इस बार फ्लावरिंग जल्दी हो चुकी है। वैसे जहाँ तक मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऐसी फ्लावरिंग, फुल फ्लावरिंग होती है 7000 से ऊपर की अल्टीट्यूड पे। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। हम फ्रूट सेट के लिए बायोस्टिमुलेंट जो कि एप्लिन है वो अप्लाई कर रहे हैं इस बार। फ्रूट एलोंगेशन और फ्रूट सेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है एप्लिन। ये जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। कहीं कहीं सेटिंग भी हो चुकी है। हम एप्लिन की दो बार स्प्रे कर सकते हैं, एक 20-25% पे और 80% और अबव पे। एप्लिन की दो एप्लीकेशन से आपके फ्रूट एलोंगेशन और फ्रूट सेट बहुत अच्छा रहता है। मैं इस बार एक ही एप्लीकेशन कर रहा हूँ एप्लिन की 80% पे। जहाँ तक हो सके आप एप्लिन की एप्लीकेशन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को करें, जब टेम्परेचर थोड़ा कूल होता है। और एप्लिन की एप्लीकेशन के बाद ये ध्यान रखें कि 3-4 दिन तक आपका मौसम साफ रहे, क्योंकि अगर आप एप्लिन 20% पे करते हैं तो आपके जो पिंक बर्ड्स है वो जल्दी खुल जाते हैं, और अगर आपका मौसम ख़राब हो जाए तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। एप्लिन के रेशियो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप 250 ml 200 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसमें स्टिकर भी डाल सकते हैं। मैं स्प्रे मैक्स 85 का स्टिकर डाल रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। मैंने लास्ट ईयर भी उसको अप्लाई किया था हर स्प्रे में, और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। एप्लिन में फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट सुने हैं। इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ्रूट सेट कैसा हो रहा इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब K9 ब्लॉग्स। थैंक यू।